नमस्कार प्यारे बच्चों, इससे जो पहले हमारी क्लास थी उसमें हमारा जो पेपर है शिक्षण अधिगम, उसमें हमने अनुदेशन के बारे में अध्ययन किया था। तो अनुदेशन के बारे में हमने जान लिया कि अनुदेशन क्या होता है, और उसी में हमें कहीं कहीं थोड़ा ये मालूम चल गया था कि अनुदेशन और शिक्षण में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। जैसे उसमें आया था कि शिक्षण का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, अनुदेशन क्या है, संकुचित है, ठीक है। तो कहने के तात्पर्य ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हमें थोड़ा बहुत ये भी मालूम चल गया कि शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है और अनुदेशन एक संकुचित प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण हमारे जन्म से लेकर जब तक हमारा जीवन रहता तब तक चलता है, और जो हमारा अनुदेशन है वो हमारी कक्षा कक्ष में ही संपन्न होता है, वहीं उसकी शुरुआत होती है, वहीं उसका समापन होता है, ठीक है। तो हमने अनुदेशन के बारे में जान लिया था। आज हम जो हमारा अनुदेशन है, ठीक है, अनुदेशन के सोपानों का अध्ययन करेंगे कि अनुदेशन की जो प्रक्रिया है उसे एक अध्यापक कक्षा कक्ष में कैसे संपन्न करता है, ठीक है। तो अनुदेशन के सोपान क्या हेडिंग रहेगी हमारी आज की, अनुदेशन के सोपान, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं आपको हिंट दी थी उस दिन से, कल जो इससे पिछली वाली क्लास, उससे पहले जो क्लास थी थोड़ा सा मैं आपको जनरली नॉलेज दी थी, लेकिन आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि अनुदेशन के सोपान कौन कौन से होते हैं और क्या उनका कार्य होता है, कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा अनुदेशन के सोपान में जो हम लिखेंगे वो है यहां से उद्देश्यों का, उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। सेकंड जो हमारा सोपान रहेगा वो रहेगा तैयारी, ठीक है। थर्ड जो हमारा सोपान रहेगा वो रहेगा प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुतीकरण, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सोपान रहेगा वो रहेगा संप्रेषण, इस संप्रेषण। इसके बाद जो हमारा सोपान रहेगा वो रहेगा आत्मसात, ठीक है। इसके बाद आएगा मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट जो सोपान रहेगा हमारा अंतिम वो रहेगा पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण। अब देखो बेटा, इनकी हम काउंटिंग करते हैं, अगर नंबरिंग में इनको डालते हैं तो टोटल कितने सोपान होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा। कुल हमारी जो अनुदेशन की प्रक्रिया है कुल 7 सोपानों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। हमारा जो अनुदेशन है 7 सोपानों से होकर गुजरता है। तो हमको इनको 1x1 समझेंगे कि जो हमारी अनुदेशन की प्रक्रिया है इनको कैसे फॉलो करती है, कैसे हमें इनको इन सोपानों के माध्यम से हमें हमारे अनुदेशन को पूर्ण करना होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए, पहला उद्देश्यों का निर्धारण, शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, हर बार आपको मैं समझाती आ रही हूँ कि सब बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। किसी हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य अवश्य ही छुपा हुआ होता है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है वो बनता है उद्देश्यों का, उद्देश्यों का निर्धारण।
तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, अनुदेशन में क्या करता है अध्यापक, जो पाठ्यक्रमीय ज्ञान है वो कक्षा कक्ष में छात्रों को क्या करता है, प्रदान करता है। अब जब वो कक्षा में जाता है, पाठ्यक्रमीय ज्ञान को लेकर कक्षा में जाएगा, तो उससे पहले क्या करेगा, वो उद्देश्यों का निर्धारण करेगा कि मैं जो पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहा हूँ उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बिना उद्देश्य के अगर उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो किस पाठ्यक्रम पढ़ाने क्यों जाएगा, क्यों उसको अपने सिलेबस का फॉलो करेगा। उसका उद्देश्य है जो विषय उसको दिया गया है, ठीक है ना, उद्देश्य का निर्धारण है कि मुझे ये विषय दिया गया है और मुझे टाइम पे पूर्ण करवाना मेरा कर्तव्य है, जिससे बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, जिससे उनका टाइम पे सिलेबस हो, टाइम पे पाठ्यक्रम पूरा हो, जिससे और बाद में रिवीजन के लिए भी ऐसा वो अपना टाइम टेबल बनाता है, ऐसा सिलेबस को ऐसे व्यवस्थित करता है कि बाद में उनके लिए रिवीजन के लिए भी टाइम बचे, जिससे वो आराम से एग्जाम में जो उसका पेपर है उसको क्वालिफाई कर पाए, अच्छे से पेपर को हल कर पाए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, उद्देश्यों को करेगा कि मुझे आखिर में ये पेपर पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को उसको पता चल जाता है कि मुझे मेरा साइन पर मुझे ये पेपर दिया गया है और मुझे जो मेरा पेपर है निर्धारित पेपर जो मुझे दिया गया है, जो मेरा विषय है, उसे मुझे टाइम पे पूरा करवाना मेरा प्रथम उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा, वो उद्देश्यों का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, सीधी सी बात है, अनुदेशन कहाँ संपन्न होता है, कक्षा कक्ष में होता है। तो सीधी बात है कि कक्षा कक्ष के अंदर तो कुछ सोपान ऐसे हैं जो हमें कक्षा कक्ष के अंदर उनको फॉलो करना होता है, कक्षा कक्ष के अंदर उनको हमें अनुसरण करना होता है। कुछ सोपान कक्षा कक्ष से पहले के होते हैं अनुदेशन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, अनुदेशन प्रक्रिया को अच्छे प्रकार संपन्न करने के लिए कुछ सोपान कक्षा कक्ष से पूर्ण भी हम कक्षा कक्ष से पहले भी हमें तैयार करने होते हैं। तो उसमें क्या जाता है, उद्देश्यों से पहले टीचर क्या करेगा, उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, फिर क्या करेगा, वो तैयारी करेगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि एक टीचर है कि अनुभव है उसके पास, एक पूर्ण डिग्री है उसके पास, अनुभव है, लेकिन नए नए विषय नए नए तथ्य विषय के अंदर ऐड होते रहते हैं, तो अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार जो जिसको नॉलेज है उसके आधार पर जो विषय उसमें लगा हुआ है, जो उसके पेपर में लगा हुआ है, जो विषय उसको दिया गया है, उसमें कोई तथ्य नया जोड़ा है, क्या है, कोई नया विषय है, तो उस पर वो क्या करेगा, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए वो क्या करेगा, तैयारी करेगा उस पर, उस विषय पर जो शिक्षण बिंदु, जो विषय वस्तु वो कक्षा में लेकर आ रहा है उसके ऊपर क्या करेगा, मजबूत तैयारी करेगा, जिससे वो अच्छे प्रकार से अपने विषय को, जो विषय वस्तु वो पढ़ाने के लिए कक्षा में जा रहा है उसको अच्छे प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण कर पाए, अच्छे प्रकार से बच्चों के पास उसको पहुँचा पाए, जिससे बच्चे आसानी से उसको समझ पाए। आप खुद समझो, आप खुद अपना वो लगाओ बेटा कि जब टीचर कक्षा में आ गया और जो विषय वस्तु लेकर उसमें उसको खुद को ही ज्ञान नहीं है, खुद को ही कुछ नहीं आता, तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, अच्छे से वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा और बच्चे को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कि देखो बेटा, अनुभव ज्ञान किसे चलता है, अभ्यास से चलता है। एक टीचर है, आप डिग्री लेकर टीचर बन गए, सब कुछ नॉलेज है, आप व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान है हमेशा माइंड में फीड नहीं रहता है, कुछ चीज़ें निकलती रहती है, कुछ अनुभव एक उससे लिंकअप बना रहता है, अनुभव बना रहता है, लेकिन जब तक कोई नया विषय वस्तु हमारे सामने आ रहा है उस पर हम अभ्यास नहीं करेंगे, उस पर हमारी तैयारी जारी नहीं रहेगी, तो सब कुछ हमारे दिमाग से निकल जाएगा। आप कहते हैं ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो जीवन भर कंपटीशन की तैयारी करते हैं क्या, मान ली वैकेंसी निकली, हाँ भाई एक साल में पेपर होगा, तो एक साल आप जी तोड़ उसमें लग जाते हो, लेकिन उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य, भाई मुझे इस जो ये कंपटीशन है, जो एग्जाम है, पास करना है। अगर वो आपके सामने ना हो तो आप कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो बिना तैयारी के कोई भी कार्य संभव नहीं है, यानी कि आप अच्छी तरह से किसी चीज़ को क्वालिफाई करोगे, अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण देने के लिए आपको उस पर मजबूत तैयारी की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात ही है। ठीक है ना, अब आता है तैयारी, आपने कर ली, थर्ड जो हमारा सोपान बनता है वो बनेगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, मजबूत तैयारी के साथ कक्षा जो अध्यापक है कक्षा में आया, अगर उसकी विषय पर पकड़ है, मजबूत तैयारी है, तो वो अपना प्रस्तुतिकरण अच्छे प्रकार से कर पाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो कक्षा में प्रस्तुतिकरण करेगा। अब प्रस्तुतिकरण में जो भी मुद्दे को मूल रूप से जो ये वाला जो हमारा ये क्या है,
ये वाला टॉपिक बहुत अधिक रोल प्ले करता है कक्षा कक्ष के अनुदेशन के अंतर्गत, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में हम बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं कि किस तरह से हम हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाएं, किस तरह से बच्चे को आसानी समझ में आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना होता है, किस किस कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं उस चीज़ को भी हमें जानना होता है, बच्चे कैसे हैं सबको जजमेंट करना होता है, उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण होता है। अब प्रस्तुतिकरण में भी हमें कैसे कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, किस शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करें कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये है हमारा प्रस्तुतिकरण। उसके बाद है संप्रेषण, ठीक है। अब बात आती है संप्रेषण की। प्रस्तुतिकरण आपने कर दिया, अब देखो बेटा सीधी सी बात है, अब कई जो अध्यापक होते हैं, ठीक है, कईयों की आवाज़ तो अच्छी होती है, सॉलिड होती है, इतना बड़ा रूम होता है, बच्चे पीछे तक बैठे रहते हैं, उनको आवाज़ आसानी से चली जाती है। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं कि दो लाइन के बाद तीसरी लाइन को आवाज़ ही नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना। तो अब उस समस्या का समाधान या तो आपको अपनी आवाज़ में कोई सुधार करना पड़ेगा, आपको तेज बोलना पड़ेगा क्लास में, बच्चे तक आवाज़ पहुँचाने के लिए एक तो आपका जो जो आपका शब्दार्थ है बोलने वो है वो आपके शुद्ध होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। आप खुद अशुद्ध बोलोगे बच्चे को आप, या फिर ऐसे शब्दों को मिला के बोलोगे तो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात है कि आपकी जो आवाज़ है वो बच्चे तक आसानी से पहुंचनी चाहिए। जब बच्चा आपको ठीक प्रकार से सुन ही नहीं पाएगा तो उसको वो कैसे उस विषय वस्तु को समझ पाएगा। तो बेटा ये हमारा क्या है, संप्रेषण है, अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने के लिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो संप्रेषण में हमारी मुख्य रूप से क्या आती है, हमारी भाषा और हमारी आवाज़ काम आती है, ठीक है ना। हमारी जो लैंग्वेज है वो कितनी शुद्ध है, हिंदी जो भी हमारी लैंग्वेज है वो कितनी तो शुद्ध है और कितनी स्पष्ट है, ठीक है ना। और उसका जो जो हम आवाज़ यूज कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, वो बच्चे उसको सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। तो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम ये क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अपनी बात को दूसरे तक ले जाना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब इसका माध्यम क्या होता है, हमारी आवाज़ होती है, ठीक है ना। हम हमारी बोली के माध्यम से हम हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ, मैं अभी अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ तो कोई संप्रेषण होगा आपके पास, कोई मेरी बात जाएगी आपके पास, नहीं जाएगी। मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ आपके पास आप सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको एक संप्रेषण भेज रही हूँ, मेरी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, तो ये क्या है, संप्रेषण है। तो प्रस्तुतकरण के साथ साथ हमको किसकी आवश्यकता होती है, संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि आवाज़ ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर अध्यापक की आवाज़ स्पष्ट है, सॉलिड है, अच्छी आवाज़ है कि बच्चे आसानी से सुन पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर माइक की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर विषय वस्तु को रिकॉर्ड करके पढ़ाना चाहिए कि जिससे बच्चे उसकी आवाज़ को थोड़ा बढ़ाकर और आसानी से उसको सुन पाए। तो हमको सब इतना जानना है कि हमें संप्रेषण अपनी बात को एक अध्यापक को अपनी विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संप्रेषण की आवश्यकता होती। संप्रेषण के माध्यम से वो अपनी बात को या अपनी विषय वस्तु को बच्चों तक पहुँचाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है आत्मसात, यानी कि अपने अंदर ग्रहण करना। जो टीचर ने जो देखो प्रस्तुतिकरण कर दिया, उसने संप्रेषण कर दिया, अपनी बात बच्चों तक पहुंचा दी, अब बच्चों का काम है कि टीचर की कही हुई बात का क्या करना, आत्मसात करना, उसे ग्रहण करना, अपने अंदर माइंड में बिठाना, अपने अंदर बिठाना क्या कहलाता है, आत्मसात कहलाता है। अब टीचर ने बहुत अपना जी जान लगा के बच्चे को विषय वस्तु पढ़ाई है, अब डिपेंड बच्चों पे करता है कि बच्चों ने उसको कितना ग्रहण किया है, कितना उसको आत्मसात किया है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद है आत्मसात हो गया, उसके बाद हम टीचर क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। अब इतना कुछ अच्छे से टीचर ने पढ़ाया है, बच्चे ने आत्मसात कर लिया, अब बच्चे ने कितना आत्मसात किया है, विषय वस्तु को कितना ग्रहण किया है उसने अपने अपने अंदर, इसका पता लगाने के लिए अध्यापक क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अब वो रिटन भी हो सकता है, वो बर्वली भी हो सकता है, ठीक है ना, वो मौखिक भी हो सकता है, मौखिक रूप से भी मूल्यांकन ले सकता है, क्वेश्चन आंसर क्लास में पुट ऑफ कर सकता है, पूछ सकता है कि तुरंत उसे जैसे ही उसने विषय वस्तु पढ़ाई और अपने विषय पर उसने जो भी शिक्षण बिंदु पढ़ाया उस पर उसने उस बच्चों से सामने से तुरंत पढ़ाने के बाद क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो उसे तुरंत ही पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया है। तो उसके लिए क्या करता है, वो मूल्यांकन करता है।
उसके बाद आता है पृष्ठ पोषण। ठीक है, मूल्यांकन कर लिया। अब हमें मूल्यांकन हमने किया, हमें बिल्कुल क्लियर रूप से हमें पता कब चलेगा, जब बच्चे हमें क्या देंगे, पृष्ठ पोषण देंगे। ठीक है ना, जब बच्चे हमें पृष्ठ पोषण देंगे। हाँ, अब पृष्ठ पोषण का मतलब समझ रहे हो बेटा, बच्चे ने सुना। ठीक है, बच्चे ने, आपने जो विषय वस्तु पढ़ाई वो बच्चे ने सुना, वो बच्चे ने सुना। ठीक है ना, उसके बाद सुनने के बाद आपने बच्चे से क्या पूछा, प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने के बाद जो बच्चे ने आपको आंसर दिया, जो आंसर दिया उसमें क्या, जो आंसर आपको बच्चे ने प्रस्तुत किया आपके सामने, वो क्या है, पृष्ठ पोषण है। वो क्या है, पृष्ठ पोषण है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे ने आपको क्या दे दिया, पृष्ठ पोषण दे दिया। मीन्स मूल्यांकन किया आपने। मूल्यांकन कैसे किया आपने, लिखित, या तो आपने लिखित किया होगा मूल्यांकन, या तो अध्यापक लिखित में मूल्यांकन करेगा, या फिर उससे मौखिक रूप से प्रश्न पूछेगा। अब जब आपने, मान लीजिए अध्यापक ने मौखिक रूप से प्रश्न पूछे और तुरंत आपने उसे क्या दिए, आंसर दिए, तो जो आंसर आपने दिया, वो जो विषय वस्तु उसने पढ़ाई है, जो विषय वस्तु पर उसने आपसे प्रश्न पूछे हैं, उस विषय उससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे हैं, उस विषय वस्तु से संबंधित जो आपने उनको आंसर दिए हैं, वो क्या है बेटा, पृष्ठ पोषण है। वो आपका पृष्ठ पोषण है, मीन्स आपने कितना सीखा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जैसे मैं कहती हूँ आपको, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, अनुदेशन के सोपान पढ़ा रही हूँ बेटा। ठीक है, अभी मैं तुरंत आपसे पूछूं, मुझे लगा किसी बच्चे का ध्यान नहीं है, ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील होता है क्लास में कि शायद एक दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर, उनका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, तो मैं तुरंत आपसे पूछूंगी कि बताइए उसके तुरंत जो अनुदेशन के कितने सोपान है। अगर आपसे, आप ध्यान से सुन रहे होंगे, आप ध्यान से आपने आत्मसात किया होगा, ये तो आत्मसात किया होगा, तुरंत मैंने क्या किया, आपका मूल्यांकन क्या किया, मैंने आपसे प्रश्न पूछे, वो क्या है, मेरा मूल्यांकन है। तुरंत मैंने आपसे पूछे अनुदेशन के सोपान कितने हैं, आप यदि आपने ध्यान से आत्मसात किया है तो आप तुरंत जवाब दे दोगे, 7 सोपान होते हैं, मेरे को नाम बताइए, तुरंत आप मुझे नाम बता दोगे। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने मूल्यांकन किया, लेकिन जैसे ही आपने मुझे आंसर दिया 7 सोपान होते हैं, ये नाम होते हैं उनके, ठीक है, तो मीन्स वो क्या है, आपका पृष्ठ पोषण है। मीन्स आपने जो ग्रहण किया है उसको आपने दोबारा मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया, मेरे सामने उसको आपने प्रस्तुतिकरण, पहले तो टीचर ने सबसे पहले विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किसने किया था, अध्यापक ने किया था। ठीक है ना, अध्यापक ने जैसे ही प्रस्तुतिकरण किया, संप्रेषण के माध्यम से आप तक विषय वस्तु को पहुंचाया, पहुंचाने के बाद आपने क्या किया, आत्मसात किया, आत्मसात करने के बाद टीचर ने तुरंत क्या किया, मूल्यांकन किया। मूल्यांकन जैसे ही आपसे प्रश्न पूछे या रिटर्न में आपसे कोई टेस्ट लिया, तो आपने क्या प्रस्तुत किया, पृष्ठ पोषण दिया, जो आपसे पूछा है उस पर, उस क्वेश्चन पर आपने आंसर के रूप में क्या दिया, पृष्ठ पोषण दिया, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ पोषण कहते हैं। तो बेटा इस तरह से जो हमारी अनुदेशन की प्रक्रिया है, जो हमारी अनुदेशन की प्रक्रिया है, वो 7 सोपानों से होकर गुजरती है। वो अब मैं बिल्कुल क्लियर, बहुत साधारण भाषा में मैंने आपको सातों ही सोपानों के बारे में अध्ययन करवाया है, सातों ही सोपानों को आपको समझाया है। तो मेरे विश्वास से, जितना मैं इसे, जिस हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरे अनुसार आपको ये सातों ही सोपान और अनुदेशन क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो क्लास ली थी अनुदेशन के बारे में, मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझाया था, और आज मैंने इनके सोपानों के बारे में बिल्कुल क्लियर खोल के आपको बता दिया है। तो आप बस इनको ज़्यादा, इनमें डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, आपको इनको बस समझते हुए ऐसे कि ऐसे सातों सोपानों को अपनी कॉपी में नोट करना है। और आपको जैसे ही आप इसका, आपको लगे शॉर्ट में कुछ भी ऐसे हिंट के लिए, आप इसमें एक लाइन बना के लिए, जैसे ही आप समझ रहे हो तो हिंट बना के आप एक लाइन लिखो, जैसे आपके माइंड में कभी आप खोल के पढ़ोगे तो तुरंत आपके वही जैसा वो सीन क्रिएट हो जाएगा कि मैम ने हमको कैसे समझाया था। ठीक है बेटा, तो समय का अभाव होता है, इतना हम डिटेल में, इतना लेंदी आपको यहाँ पर ऑनलाइन में नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं समझाने का पूरा खुल के प्रयास करती हूँ, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि आपको जो भी शिक्षण बिंदु पढ़ा रही हूँ वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे
सात सोपान हो गए किसके, अनुदेशन के। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो शिक्षण बिंदु बनेगा वो हम अगली कक्षा में उसका अध्ययन करेंगे, अगली कक्षा में उसको पढ़ेंगे हम। तो आज की कक्षा में हमने सोपानों का अध्ययन किया है, तो आज की कक्षा यहीं तक बेटा।